वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे, वीकेंड है, बट पता नहीं मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। शाम हो रही है अभी एंड ओम दोपहर से ही गया है खेलने के लिए एंड आई वॉज वेटिंग कि वो आ जाए, क्योंकि फिर वो धक्का देगा, फिर मैं बाहर जाऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो बट मैं देख रही हूँ मेरा क्लास है 7 o'clock, तो मुझे किसी तरह 7 बजे के पहले वापस आना है, लॉग इन करना है, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं निकल रही हूँ, जो आए आए, वो खड़ा रहेगा बाहर। बिकॉज मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इफ़ आई एम फीलिंग बैड, इफ़ आई एम फीलिंग सफोकेटेड, तो तबीयत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आती हूँ, निकल के वॉक करके आती हूँ। बाहर इतने अच्छे अच्छे डॉगीज हैं ना, मुझे आई एम एन एनिमल लवर, मुझे बहुत ही पसंद है एनिमल्स, तो उनको देख के ना मन अपने आप ही ठीक हो जाता है। और वैसे भी मम्मी पापा 2 दिन हुआ है गए हैं, तो फिर वो भी मन थोड़ा ख़राब लग रहा है। और दिल्ली में इतनी गर्मी हुई है कि क्या बोलूँ, पूरा ह्यूमिडिटी, जैसे हम भुवनेश्वर में थे पहले, भुवनेश्वर वॉज अ वेरी ह्यूमिड प्लेस, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में है। और ये प्रॉब्लम देख रही हूँ अभी दिल्ली में भी हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस है, अभी भी दिख रहा होगा आपको मेरे चेहरे पर पूरा पसीना पसीना हुआ है। बट थोड़ा सा वही बाहर जाने से अच्छा लगेगा एंड इस घर में, हमारे घर में बैल्कनी वगैरह कुछ है नहीं, तो बाहर दिखता भी नहीं है, इससे अच्छा मैं बाहर ही जा रही हूँ और फिर वापस आती हूँ। वो देख रही हूँ मैं, ओम खेल रहा है नीचे, वो देखो ओम खेल रहा है, दैट रेड वन नॉटी किड, दोपहर से निकला है, वे हो गया है 3 घंटा, 3 घंटे से इनकी एनर्जी भी इतनी रहती है। सारे बच्चे खेल रहे, बॉयज खेले, मैं जा रही हूँ बाहर। ये मैं एक चीज दिखा रही हूँ आप लोगों को, मतलब आई एम रियली अमेज्ड, हाउ हैव यू ड्रॉन दिस, इट इज सो ब्यूटिफुल। मैं आज भी, मैं इतने एज में भी मैं ऐसा ड्रॉइंग नहीं कर पाऊंगी, यू आर जस्ट 10 years old एंड हाउ ब्यूटिफुल यू हैव ड्रॉन दिस, इट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल, मुझे तो बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा ड्रॉइंग लग रहा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज इसे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वॉट आर द कलर्स यू हैव यूज, विच कलर्स, आई मीन क्रेयॉन्स, वॉटर कलर्स, you used crayons, yes. And the sun rays, the shadow, it's amazing, good the job mom, the sun is light is coming from here, yeah, amazing, keep it up, thank you. So main dikha rahi hu dinner preparation ho gaya hai mera, yahan pe salad hai, mangoes, abhi last ka jo mangoes langda mil raha hai banarasi, wo kha le rahe hain। बस अब तो बंद ही हो गया है, ऑलमोस्ट हर जगह बंद हो गया है, यही मिल रहा है। एंड ये है चिकन करी, और चिकन जिस दिन मैं बनाती हूँ ना, उस दिन मैं राइस खाती हूँ, मुझे राइस अच्छा लगता है। राइस के साथ ये नींबू थोड़ा सा निचोड़ के और हरी मिर्ची को रगड़ के, वाओ बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। आप लोग खा के देखिएगा, ऐसे चिकन का करी या कोई भी करी के साथ नींबू और हरी मिर्ची। और ये करेला मैं निकाल के तो रखी थी कि फ्राई करूंगी, बट मुझे समय नहीं मिला और तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए करेला को ऐसे ही रहने दे रही हूँ, कल खाएंगे। तो रात का डिनर हो गया, खाना पीना हो गया, और इतनी थक गई हूँ ना कि क्या बोलूँ। अभी जाना था मुझे मार्केट बैठे रहता है अराउंड 10:30-11 o'clock तक, अभी 10 बज रहा, जाना था मार्केट फ्रूट्स क्यूकम्बर वगैरह लाने के लिए, बट अभी और हिम्मत बची नहीं कि जाएँ, अभी बस इतना थक गई हूँ। ये हेयर ऑयल ली हूँ, अब आराम से यहाँ बैठ के हेयर ऑयलिंग करूँगी, मी टाइम स्पेंड करूँगी। ओम चला गया अपने रूम में, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, और मैं बस टीवी है सामने, टीवी में कुछ गाना वाना लगाऊँगी और आराम से हेयर ऑयलिंग करूँगी और सपने में खो जाऊँगी। आई लव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल इतना थक गए थे कि सो गए थे कल, एंड अभी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, अभी थोड़ा निकलना है बाहर क्योंकि आज संडे है। सो फर्स्ट टाइम हम अपने नए गाड़ी में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं, और अभी निकलेंगे मे बी अराउंड 11 o'clock और वापस आएंगे शाम को। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऐसा कुछ फिक्स्ड प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। एंड बाल धोई हूँ मैं, एंड मेरे बाल इतने लंबे हैं ना, एंड दिस इज़ द टाइम आई मिस माई मॉम द मोस्ट, क्योंकि जितने दिन मम्मी थी पूरा मम्मी ही मेरा कंघी कर दे रही थी, हेयर ऑयलिंग कर दे रही थी, तो अभी मुझे खुद से करना है, ऑफकोर्स जो मैं करते आ रही हूँ इतने सालों से, बट वही थोड़ा मोड़ा मिस करती हूँ, अच्छा लगता है ना मम्मी कुछ कर देने से। तो अभी जा रही हूँ कंघी धोने, क्योंकि जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उसी दिन
कोम्ब को अच्छे से पुराने ब्रश से धो लेती हूँ, अदरवाइज अलग से होता नहीं है। तो ऐसा एक रूटीन है मेरा, जब जब शैम्पू करती हूँ तब तब कोम्ब को भी वॉश करती हूँ। तो वही करते हैं और थोड़ा बोड़ा रेडी हो गए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। रेडी है सच, मेकअप वगैरह कुछ करना नहीं है इतनी गर्मी में, दिन में वही थोड़ा काजल लिपस्टिक लगा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। एंड मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर ज़रूर अच्छा लगेगा। कोई नए जगह हम जा रहे हैं, एरोप्लेन जा रही है यहाँ से, ये द्वारका के पास ही है एयरपोर्ट, गया आवाज, तो मिलते हैं उसके बाद। हे गाइस, तो हम रेडी हो गए हैं और अभी निकल रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी 12 o'clock। जितना भी चाहो कि थोड़ा जल्दी निकले बट होता नहीं है, सो अराउंड 12 बजने ही वाला है 5-10 मिनट में। तो हाँ, और अब 12:05, तो अभी हम निकल रहे हैं। इतनी धूप, इतनी गर्मी, मेरे चेहरे से आपको दिख ही रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गया है, डोंट नो व्हाई, और ऊपर से ओम इतना तंग कर रहा है पूछो। एनीवे, वो है भी कहाँ पता नहीं, नीचे उतरा तो था कि जाएंगे, पहले बोला जाएंगे जाएंगे नहीं, और उसको ज़बरदस्ती हम लोग ले जा रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी उतरा भी बड़ा नहीं हुआ कि रिस्क ले वालों, तो इसीलिए देखते हैं अभी उसको ढूंढा जाए। ओम कहाँ पर है पता है? उसको ड्रेस थोड़ा चेंज कराओ, इट लुक्स हॉरिबल इन दैट ड्रेस। तो अभी अल्टीमेटली 12:05 हो रहा है और हम अभी जस्ट निकले हैं। सोचे थे 9 बजे निकलेंगे बट लेट हो ही जाता है, और मेरा देख देख के ये भी मैचिंग पहन लिया है, बहुत जद्दोजहद और बहुत स्ट्रगल के बाद अल्टीमेटली हम तीनों निकले हैं। अरे तुम्हारा जद्दोजहद ये सब कोई लोग समझेंगे नहीं, मैं तो नहीं समझती हूँ। Well, you know, jadd-o-jahd means a lot of struggle. हाँ, अब समझ आया मुझे। और ultimately ओम भी ड्रेस चेंज किया, ओम पीछे है, ओम से हाय। हेलो। And what are you doing? Eating dairy milk. देखते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ नेचर के पास ही मुझे अच्छा लगता है जाने में, but let's see, don't know anything, पता ही नहीं है हमें। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लिए हैं, ये है पंचगांव, इट इज़ अ बिग एरिया, और यहाँ पे है स्टारबक्स है, नाइकी है, वो बड़ा सा जो पीछे दिख रहा है बिल्डिंग वो है रेस्टोरेंट, ऊपर भी कुछ रूम्स वगैरह हैं, लॉन है, तो ब्रेक लिए हैं, वॉशरूम भी यूज़ कर लेंगे एंड स्टारबक्स से कॉफ़ी भी ले लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे और वहीं पर हम लंच करेंगे। आज काफ़ी धूप भी है यहाँ पे ना, गो कार्टिंग हो रहा है एंड 12 इयर्स से अलाउड है करना। अच्छा, ओम इज एक्साइटेड टू डू, बट उसका भी 10 इयर्स ही है एंड वो पहले भी नहीं किया है, बट देख के तो अच्छा ही लग रहा, मज़ा आ रहा है। मुझे इतनी हंसी आ रही है, लोग रील बना रहे हैं, अभी अभी रील बन रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। उधर वो फोटोग्राफर है, वो मारा है कैमरा लेके। ये ना बहुत ही अच्छा जगह है, ट्रेन टॉय ट्रेन वगैरह चला, मुझे ना धक्का मारते। ये है रेस्टोरेंट है, बड़ा सा है काफ़ी, तो यहाँ पे पता नहीं खाएंगे कि नहीं, थोड़ा आगे खाने का पार्थ को मन है, मुझे तो खा लेने का इच्छा था। वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, वॉशरूम में कोई नहीं है तो थोड़ा सा बाल बाल ठीक कर लेती हूँ। अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। तो अभी हम आ गए हैं कहाँ, KFC, क्योंकि ओम को KFC खाना है। चलो, सो ये हमने लिया बिग मील, जहाँ पे काफी सारा कुछ है ना इसमें, पॉपकॉर्न है, ऑल इन वन बकेट, एंड ओम इज सिपिंग पेप्सी।
मुंह बहुत अच्छा बनाया था। हालत देखो और खाना है और इतना खा ले यो फुल, आगे कुछ और खाएंगे, एक ही चीज़ कोई खाता है क्या। सो खा पी के अभी हम आगे और जा रहे हैं, घुमा के बैठ गया है। पता नहीं ये कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है, इस तरफ धूप है और आगे देखिए पूरा अंधेरा, बारिश हो रहा है। ड्राइव करते हुए बारिश की तरफ जा रहे हैं, अमेजिंग सीनरी, अमेजिंग ड्राइव। ये चिड़िया ने शिट कर दी है, ये अच्छा लग रहा है। यस, कैप्चर द रेन, वी आर एक्चुअली ड्राइविंग इनटू द रेन। पता नहीं फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया है, डोंट नो व्हाई व्हाई दिस इशू इज हैपनिंग। मैन्युअली वो एक तो मशीन लेके आ रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, फिर ये खोल रहे हैं। सो यहाँ पे एक ढाबा में हम लोग रुके हैं, रॉयल ढाबा नाम है इसका। सो ये मैंने ऑर्डर किया था ड्राई फ्रूट कुल्हड़ लस्सी, ठीक है देखते हैं कैसा है। अरे ग्रीन सैलड जिसमें ग्रीन नाम का क्यूकम्बर भी नहीं है, सिर्फ कैबेज है, बिल्कुल पानी ही है, देखिए बिल्कुल पानी। पता नहीं था कि ऐसा होगा। 90 rupees है इसका कॉस्ट। भाई पूछिए मत, जब हाईवे निकलो भी किस्मत की बात होती है। मिट्टी को लगी भूख तो हम लोग रुक गए। ओ भाई साहब ऐसी जगह, इंसान से ज़्यादा मक्खी, इंसान कम मक्खी ज़्यादा, एक पे 5 फ्री। तो हम लोग वहीं यहाँ से चल रहे हैं, अच्छी जगह खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। वो देखिए एक ऊँट है, वो देखो आया ऊँट पहाड़ के। ये मैं जूम कर ली हूँ, बट द कैमल लुक स्टार्व्ड, इसको ना भूख लग गई, इसको देखो बहुत पतला है ये, है ना। yes. आ गए हैं दूसरे जगह खाने, दैट इज प्रेम भोग, एंड वो खाना शायद वेस्ट ही हो जाएगा, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि हम वहाँ खाएंगे। मेरे को ना ये वाला मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, तुमको अच्छा लगता है ये? ये ना मसाला डाल के इसको फ्राई किया है, मुझे एक दे दो। होम चाहिए? यू डोंट वांट चिली? तो ये है ना दाल बाटी चूरमा। अभी शाम हो गई है एक्चुअली, 5 बज रहा है, और रोटी चावल कुछ नहीं खा रहे हैं, वो तो पैक ही करा लिया हमने सब्जी और दाल और सैलड। तो ये है चूरमा एंड ये दाल और ये है बाटी एंड इसमें दिया है घी, तो इसे एंजॉय किया जाए। तुम वो जगह में भी बैठा था उस वाले रेस्टोरेंट में, यहाँ बैठा है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? नहीं वही चलना चाहिए था। कम से कम मक्खी सूप मिल जाता है। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा वेज खाना खाना पड़ा है। वहाँ पे नॉन वेज मक्खी, और ये खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इसको वेरी हेवी दाल बाटी चूरमा, मैं तो फोर्थ वन खाया नहीं जा रहा है, इतना हेवी है। देखने में छोटा छोटा है लेकिन ऐसे हेवी है, मैं भी तो काफी हेवी है। एक और एक बाइट और। तो अभी हम घर की तरफ जाएंगे खा के, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? ये ओम ना, एक तो पहले स्टारबक्स से थोड़ा कॉफ़ी बीन लिया, और यहाँ पे भी एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ भी मांग के, हाउ मेनी यू गॉट? 20 कॉफ़ी बीन्स लेके इसको मुझे बोल रहे हैं खाओगे कि नहीं। कॉफ़ी बीन ऐसे नहीं खाते हैं ओम, नो इट्स वेरी बिटर। यमी पागल छाता मम्मी। ये ओम खोला है सन मून रूफ एंड खड़ा हो गया। हाउ आर यू फीलिंग ओम? वेरी नाइस। और हवा से आपका बाल पूरा फुर 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 उड़ रहा है, कैसा लग रहा है आसमान के नीचे? वेरी वेरी नाइस। मैं खड़ी होंगी तो थोड़ा और मेरा सर निकलेगा, मैं लंबी हूँ ना। वाह,
अमेजिंग अमेजिंग ना? यस। तो यहाँ ना पीछे रह गए ये अमरूद की दुकानें हैं, तो यहाँ से ना लास्ट टाइम हम जब गए थे तो अमरूद लिए थे और काफी अच्छा मीठा रहता है अमरूद, काट के देते हैं, तो वही लेने के लिए हम रुके हैं। सोचा आप लोगों को दिखा दूं ये पेड़ में कितना सुंदर फ्लावर्स है, पूरा रेड रेड फ्लावर से भरा हुआ है ये पेड़। बारिश शुरू हो गई है, बरसात हो रही है यहाँ और काफी तेज बारिश हो रही है। ये ऊपर का हाल भी देख लो। आगे का सीन इतना ब्यूटीफुल है, आगे माउंटेन है पूरा एंड इट इज सो सो अमेजिंग। गाड़ी बहुत ही हिल रहा है, मैं चला दिखा नहीं पा रही, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्राइव लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट का टाइम है और अभी बज रहा है 7 बज रहा, कौन बोलेगा 7 बज रहा है, पूरा लाइट है और कितना अच्छा लग रहा है ये सूरज, इट्स अमेजिंग। अभी आए हैं यहाँ पे फ्रूट्स लेने, यहाँ पे आ गया ना फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स क्यूकम्बर ये सारे चीज़ें लेना है क्योंकि कल इतना थक गई थी कि कल हमारा वीकली मार्केट होता है वहाँ जा नहीं पाए, तो फिर इसमें आए हैं, यहाँ भी अच्छा फल वल मिल जाता है। और ये बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है ना, लुक्स लवली, यहाँ पे अच्छा फोटोज आएगा। तो हम घर आ गए हैं वापस और घर का काम कभी ख़त्म होता है क्या? कभी ख़त्म नहीं होता है। अभी इतना सारा कपड़ा है, उस कपड़े को यहाँ पे टांगना है रात को, तो कल सुबह तक अगर सूखेगा तो सूखेगा, नहीं तो फिर पता नहीं, ओम का एक यूनिफॉर्म का एक शर्ट है, अगर नहीं सूखेगा वॉशिंग मशीन में तो थोड़ा बहुत सूख के ही निकलता है, तो फिर उसको अभी आयरन करके सुखाना होगा। तो ये है मुसीबत, कहीं निकलो तो मुसीबत, ना निकलो तो लाइफ इज मोनोटोनस। तो वही हाल है, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी जल्दी जल्दी से मैं कपड़े टांग देती हूँ, फिर देखती हूँ कब तक सूखता है। खा के ना जल्दी सोचते हैं कि 10 बजे तक सो जाएंगे, बट कोई भी हाल में 10 बजे होता नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो प्लीज़ थोड़ा मुझे टिप्स देना, मैं नहीं कर पाती हूँ, सो जाएंगे 10:30 तक, क्योंकि फिर सुबह भी उठना है कल। तो आज का ब्लॉग इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।